जैसे हमारे वरीय साथी बड़े भाई लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने जमीन के मसले को बताया। देखिए, धर्म का जब मसला होता है तो आदिवासी पर ही होता है, हमेशा देखते हैं। पारसनाथ का पहाड़ का आपने देखा होगा, ये मुरहर पहाड़, इत्याम्बेगढ़, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ी मंदिर। और ऐसे चुनावी दौर में एक आरएसएस का एजेंट आता है यहाँ पर, प्रमोद वाडकर की, क्या नाम है, पेटकर, वो बोलता है कि आदिवासी संस्कृति हिंदू संस्कृति एक है, इस तरह की बातें करके चलता था। और एक तरफ हम जमीन बचाने को लेकर के जहाँ पर दिव्य मंदिर बन रहा है उसको लेकर के आज हम लोग घोषणा किए, और 29 तारीख को हमारा जनाक्रोश रैली है पुरांग मैदान में। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, आज आदिवासी मसले पर कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ, धर्म के मसले पर, हमारे संस्कृति के मसले पर, आदिवासियों के विकास के मसले पर, न राज्य लेवल पर चर्चा हो रहा है और न ही केंद्र लेवल पर चर्चा हो रहा है। इसलिए हम लोग समाज के लोग जो आदिवासियों के धर्म संस्कृति और जमीन बचाने को लेकर के जो संगठन है, इसी अभियान को हम चला रहे हैं। और देवरी मंदिर जब तक हमारा जमीन, पुरकटी जमीन वापस नहीं हो जाता, धीरे धीरे पर जो है स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा। और ये अभियान को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग कर रहे हैं, और उस रैली में हम लोगों ने पूरे आदिवासियों के धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन, और उसके जैसे पारा समिति हुए, माझी परगणित महान हुए, और मानकी मुंडा संघ हुए, सभी लोगों को बुला रहे हैं। और हम समझते हैं कि पचपड़ा क्षेत्र में ये सामाजिक रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, और बहुत ही देश के लेवल पर हम लोग संदेश देने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। संविधान के अनुसार ये है, 1925 में कोई लिखा नहीं है कि सब हिंदू धर्म है, ये लिखा हुआ है कि सभी लोग धर्म मान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी किसको कहते हैं, इसमें महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में लिखा हुआ है, जो ऋषि मुनि का नाम लिखता है वो आदिवासी नहीं हो सकता है। हमारी अलग से जो है, हम अपने नदी नालों जंगल पक्षी पशु के नाम पर हुआ जाता है, और ये भी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, कोई ऋषि मुनि को पूजा करना आदिवासी नहीं हो सकते हैं। यार, देश का सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हम कैसे कहें? ये लोग वोट पोलाइजेशन के लिए करने के लिए आया है, आएंगे आप सुप्रीम कोर्ट में पूछ सकते हैं, आप जजमेंट आया हुआ है, ज्ञान सुधा मिश्र का आया हुआ है, हाँ अभी नहीं है, दिखा देंगे, आप पता कर सकते हैं, आप सक्षम पत्रकार भी हैं, प्रेस मीडिया में आया है, और उसकी यदि ऐसी बातें हैं कि आपके पास सबूत है तो सबूत हम दिखा देंगे, तैयार है, कब लीजिएगा, मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इसके लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासियों पर हमला हो रहा है, और पत्रकार महोदय आप भी जान लें कि आदिवासी दर्शन पर सब हमला हो रहा है, और सिर्फ और सिर्फ वोट पोलाइजेशन के लिए। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के वहाँ के स्थानीय विधायक को भी और कालीचरण मुंडा को भी, बताइए वो इतनी लड़ाई हो रही है, आपको समझौता नहीं करना था, हमारे लोग जान बुझे जेल भेज रहे हैं आप, हम लोग कभी भी आदिवासी समाज के लोग जो है शांति स्वभाव के लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, इतनी लड़ाई चल रही है, सब चल रही है, आप जेल को भेजे जा रहे हैं, नोटिस भेज दिए कि खाली करो, हमारी खुदकटी जमीन को कैसे आपने लिया, खाली करो, कोई समझौता नहीं, कोई बातें नहीं। तो आदिवासी समाज इसको अपने आड़े हाथों में ली है, और आने वाला समय में बहुत व्यापक आंदोलन का रूपरेखा करेंगे। मैं बोलता हूँ, स्वयं बोलता है, जब से मुख्यमंत्री बन के आया कहाँ गया, सरना स्थल गया क्या, कोई जहर खान गया क्या, वो तो मंदिर मस्जिद में घूम रहा है। ये देखिए, आप मत बोलिए, आदिवासियों को सहयोग करिए, हमारी सरकार जरूर है, लेकिन वो आदिवासी कांग्रेस का, वो आदिवासी बीजेपी का, हमारी आइडियोलॉजी से, आदिवासी आइडियोलॉजी के चलने वाले व्यक्ति नहीं है। आदिवासी हिंदू और एक आदिवासी गैर, ये कैसे हो सकता है? आखिर वो भी तो सुखा कि महाराष्ट्र जनरल ऑफ टू गाइडलाइन में दिया हुआ है कि आपको प्राकृतिक पूजा करना, आपका पान पूरी से पूजा करना, कर्मा मनाते हैं, हाँ तो हमारा, हमारी संस्कार है, हमारी संस्कार है, इसलिए हम
आदिवासी है, लेकिन वो आप कहीं कभी भी आपने देखा कि जेल से निकलने के बाद कभी सरना स्थल में देखा गया क्या? वो कभी जाहिर खान में गया? वो जा रहे क्या बोलते हैं बनारस, तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं? इसलिए हमारी पूरी तरह से धार्मिक लड़ाई है, और जो हमको मदद करेगा हमारे आइडियोलॉजी से वही आदिवासी होगा, अन्यथा सबका भी। आपने कहा है हम सब हिंदू हैं। हिंदू हैं? है कि नहीं बोलिए ना, आप पत्रकार हैं, प्रेस के सामने बोला हिंदू है कि आदिवासी है? आदिवासी हम हिंदू नहीं ना है? नहीं है, नहीं है। तो आपको स्वागत करते इसलिए कि हेमंत सोरेन का जो गैजेट है उसके विचारक है, उसके पूरे परिवार के लोग हमेशा जो है हिंदू मंदिर में जाते हैं, वो कहते भी है जय श्री राम से क्यों चिढ़ते हो? जय श्री राम से हमें चिढ़ रही है क्योंकि आपका नहीं है, लेकिन उनको चिढ़ते हैं। कौन चिढ़ते हैं? हेमंत सोरेन। जय राम श्री राम चिढ़ते हैं? मैं उनकी बातों को नहीं, लेकिन मैं यदि वो आदिवासी होते, वो आदिवासी होते तो राष्ट्रव्यापी पर उन्होंने धर्मकोट पर अभियान को तेज करते, राज्य के संकल्प आयुक्त धर्मकोट को केंद्र में भेजे, उनको चाहिए था पूरे देश के लेवल सभी लोगों को बैठाते, और अविलंब जो है धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन होता, धार्मिक न्यास का गठन होता तो ये मंदिर की लड़ाई नहीं होती, जमीन के हम लोग समाधान कर लेते, स्पेशल पावर लाते उसमें। लेकिन कभी भी यहाँ के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री धर्मकोट के संदर्भ में, जमीन के संदर्भ में संवेदनशील नहीं रहा, हम लोग छोड़ गए, ठीक है ना? जो जो हम अपनी जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं वही प्राथमिक हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये कहेंगे जो हिंदूवादी व्यवस्था की बात करता है वो आदिवासी हित की बात करने का कोई अधिकार नहीं, हजारों को जाता है, मंदिर जाते हैं, आदर करते हैं राम को, ऐसे थोड़े हैं जो, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी कार्य प्रणाली से लगता है वो आदिवासी नहीं। तो संविधान सभी धर्मों को मानने का अधिकार है। आदिवासी भैया चुनाव दृष्टिकोण से काम करता है, ठीक है ना? चुनाव दृष्टिकोण से काम करता है, मौसमी आदिवासी है। हम लोग मिथिला बनाते थे ना बचपन में, कभी गरु बनाते थे, कभी गाड़ी बनाते थे बचपन में, ये लोग उस टाइप का बदलते रहता है। अच्छा, ये आप भाषा भी काफी हो गए हैं, और हम ये